हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 8 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़ राष्ट्रीय समाचारों की। तो गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2019 पास्ड बाय गुजरात असेंबली विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम मई 1, 2019। द एक्ट विल अलाउ द शॉप्स एंड अदर बिजनेसेस इन द स्टेट टू ऑपरेट 24/7। द एक्ट रिप्लेस्ड द गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 विच प्रिवेंटेड शॉप्स एंड अदर बिजनेसेस फ्रॉम ऑपरेटिंग बिटवीन 12 to 6 AM। गुजरात विधानसभा द्वारा गुजरात की दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसे 1 मई 2019 से लागू किया गया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य में दुकानें और अन्य व्यवसाय 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे। इस अधिनियम ने गुजरात दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1948 को प्रतिस्थापित कर दिया, जिसने दुकानों और अन्य व्यवसायों को 12 से 6 बजे के बीच खुला रखने पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। द US एयर फोर्स रिसर्च लेबोरेटरी टेस्टेड ए लेजर सिस्टम कॉल्ड सेल प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डिमोनेस्टर शील्ड एट द US आर्मीज वाइट सैंड मिसाइल रेंज इन न्यू मैक्सिको वे सक्सेसफुली शॉट डाउन मल्टीपल एयर लॉन्च मिसाइल वाइल इन फ्लाइट। द सिस्टम इज डिजाइंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द एयरक्राफ्ट फ्रॉम इनकमिंग सरफेस टू एयर एंड एयर टू एयर लॉन्चेज मिसाइल्स। US एयर फोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ने न्यू मैक्सिको में अमेरिकी सेना की वाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में सेल प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोस्ट्रेटर नामक एक लेजर प्रणाली का परीक्षण किया, जिसने उड़ान के दौरान कई हवा से प्रक्षेपित मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया। इस सिस्टम को सतह से हवा और हवा से हवा में लॉन्च की गई मिसाइलों से विमान की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। तो द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सर्बियाई ड्रैगन मिहेलोविक एज हेड कोच ऑफ द मैंस नेशनल टीम इन ए मूव लिंक्ड टू द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ओलंपिक गेम क्वालिफिकेशन। मिहेलोविक हैज मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए कोच। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ओलंपिक खेलों की योग्यता के दीर्घकालिक लक्ष्य से जुड़े एक कदम के रूप में सर्बियाई ड्रैगन मिहेलोविक को पुरुषों की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। कोच के रूप में मिहेलोविक के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। तो जीडी रॉबर्ट गवेंडर एन इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट इन साउथ अफ्रीका हैज बीन ऑनर्ड इन द UK विद 2019 BK कृष्णा मैनन अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए पायनियर ऑफ डी कॉलोनाइज जर्नलिज्म। दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय मूल के पत्रकार GD रॉबर्ट गोविंदर को UK में 2019 BK कृष्णा मैनन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि डिकोलाइज्ड पत्रकारिता के अग्नि के रूप में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए है। नेक्स्ट इजराइल ऑनर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक फर्ज रफेल GFR जैकब हु नेगोटेटेड द हिस्टोरिक सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स इन ढाका आफ्टर द 1971 बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर विद ए प्लेक्यू ऑन द वॉल ऑफ ऑनर एट द एम्यूनिशन हिल। इसराइल ने 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के बाद ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों के
ऐतिहासिक आत्मसमर्पण में सफल होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जैक फ्राज राफेल जैकब को एमयू नेशन हिल में वार ऑफ ऑनर के बैंड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचार की। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एनहेंस द हाउसिंग लोन लिमिट्स फॉर रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबीज फॉर एलिजिबिलिटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन ए बिड टू गिव दैम ए लेवल प्लेइंग फील्ड विद अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी और लघु वित्त बैंकों एसएफबी के लिए आवास ऋण की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है, जो उन्हें अन्य वाणिज्यिक बैंक के साथ एक अवसर प्रदान करने का प्रयास है। नेक्स्ट, ग्लोबल कार्ड पेमेंट ब्रांड मास्टर कार्ड हैज ऑन अनाउंस्ड इट्स प्लान ऑफ इन्वेस्टिंग $1 बिलियन इन इंडिया ऑपरेशंस ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years। अबाउट $350 मिलियन ऑफ द टोटल अमाउंट वुड बी इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप ए लोकल पेमेंट प्रोसेसिंग सेंटर एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मैंडेट टू स्टोर ऑल पेमेंट डाटा लोकली। वैश्विक कार्ड भुगतान ब्रांड मास्टर कार्ड ने भारत के परिचालन में अगले 5 वर्षों की अवधि में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। कुल भुगतान का लगभग $350 मिलियन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार स्थानीय भुगतान प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने में लगाया जाएगा, ताकि भुगतान के सभी आंकड़ों को स्थानीय रूप से संग्रहित किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं समिट कॉन्फ्रेंसेस शिखर सम्मेलन और सम्मेलनों की। तो द IBSA इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका SERPAG मीटिंग फॉलोइंग द 9th IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड इन कोचिन। सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर TS त्रिमूर्ति लेड द इंडियन डेलीगेशन। IBSA भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका SERPA की बैठक 9वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक के बाद कोचिन में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध श्री TS त्रिमूर्ति ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट आइए द G7's ग्रुप ऑफ 7 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स गैदर्ड फॉर ए 2-day मीटिंग इन मैच फ्रांस टू डिस्कस और स्टेप्स रिक्वायर टू हैंडल डिफॉरेस्टेशन प्लास्टिक पॉल्यूशन डिप्लीशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड वेज टू बिल्ड पैक्ट बिटवीन द कंट्रीज इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। G7 समूह के एक पर्यावरण मंत्री वनों की कटाई प्लास्टिक प्रदूषण मूंगा चट्टानों के क्षय से निपटने के आवश्यक कदमों पर चर्चा तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन देशों के बीच समझौते के लिए मैच फ्रांस में 2-दिवसीय बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज मिसलेनियस विविध समाचार। ए 18-year-old नेपाली गर्ल बंदाना डांस्ड कंटिन्यूअसली फॉर 126 hours टू सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाई एन इंडिविजुअल ए फीट प्रीवियसली हेल्ड बाई एन इंडियन। बंदाना बीट द रिकॉर्ड सेट बाय कलमंदनलम हेमलता हु डांस्ड कंटिन्यूअसली फॉर 123 hours एंड 15 minutes इन 2011। एक 18 वर्षीय नेपाली लड़की बंदना ने लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाई एन इंडिविजुअल पर 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। यह अद्भुत कार्य पहले एक भारतीय द्वारा किया गया था। बंदना को कलामंडलम हेमलता द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ा, जिसमें उन्होंने 2011 में 123 घंटे और 15 मिनट तक लगातार नृत्य किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सगी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करो। दोस्तों, मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर जी के। तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।